तो आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है। ये आपके फाइनेंशियल अकाउंट का रेशियो एनालिसिस वाला जो चैप्टर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर टू में हमने लेटेस्ट का 1 एंड लेटेस्ट का 2 सम किया था। तो आज हम करने वाले लेटेस्ट का थर्ड नंबर का सम। तो ये सारे जो भी लेटेस्ट का सम है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सम होते हैं, आपको पता होगा। तो आज हम लेटेस्ट का थर्ड सम कर रहे हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट का थर्ड सम। तो थर्ड सम दिया है द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ ख्याति कंपनी लिमिटेड आर अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2012। अब यहाँ पे हमको डेटा दिया है, डेटा में टोटल 13 आइटम हमको दिए इन्होंने। कितनी आइटम दिए? 13 आइटम दिए हम। क्लियर? ये रही 13 आइटम। हमको ये 13 आइटम में से क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल निकालना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस रेशियो निकालना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है और लॉन्ग टर्म फंड्स टू फिक्स एसेट रेशियो निकालना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम देख रहे थे क्या क्या दिया है इन्होंने। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्होंने बताया है कि 65% ऑफ द सेल है, लेकिन हमको यहाँ पे सेल नहीं दी गई है, तो हमको सेल निकालनी पड़ेगी। कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी है निकालना। अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 2 देखा होगा जहाँ पे मैंने लेटेस्ट का सम नंबर 1 और सम नंबर 2 करवाया है, अगर वो आपने देख लिया तो आप खुद ही यहाँ पे सेल आराम से इजीली निकाल लोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये सब में भी करवाने वाला हूँ। तो सेल तो दी नहीं है इन्होंने, लेकिन उन्होंने खाली इतना कह दिया कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो 65% ऑफ द सेल है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेल का 65% है इतना पता है, लेकिन ना तो हमारे पास सेल है ना तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। तो हमें दोनों चीजें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकालना पड़ेगा, ओके, और हमें सेल भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट पे आते हैं। इन्होंने दिया है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आफ्टर इनकम टैक्स डिडक्टेड एट 40% 6,57,000 है। तो इनकम टैक्स को माइनस करने के बाद हमारे पास जो नेट प्रॉफिट इन्होंने दिया है वो दिया है 6,57,000। अब क्या होगा, सब में ये पॉइंट क्यों दी गई है? सबसे पहले क्वेश्चन को समझना हमें जरूरी है। जब भी ये ब्रैकेट में कुछ पॉइंट देते हैं तो समझ लेना कि ये कहीं ना कहीं हमें यूजफुल होगी। ठीक है, सारी नहीं होती है, लेकिन ध्यान में रखना जरूरी है कि इनकम टैक्स को माइनस करने के बाद 6,57,000 है। ओके, इतना सिर्फ दिमाग में रखना। उसके बाद हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि लेटेस्ट का जो सम हमने 1 और 2 किया था तो वहां पे हमको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया था लेकिन ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक निकालना था। यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है लेकिन ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है, तो बहुत अच्छी चीज है। और इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, 10% प्रेफरेंस शेयर दिए, 30% डिबेंचर्स दिए, 8% लॉन्ग टर्म बैंक लोन दिया है, 9th जो दिया है शेयर इशू एक्सपेंस नॉट रिटर्न ऑफ, ये एक तरह की आपके रिटर्न ऑफ लाइबिलिटी है, याद रखना। 10th दिया आपको रिटेन्ड अर्निंग। ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें, ये 7th, 8th, 9th, 10th और 5 और 6, ये कैपिटल एम्प्लॉयड वाली चीजें है। जब कैपिटल एम्प्लॉयड अगर मुझे ये सब में निकालना पड़ा ना तो मैं ये सारी चीजें लेने वाला हूँ, जिसमें से ये वाला शेयर इशू माइनस करूंगा। क्लियर? ये खाली ध्यान रखना। फिक्स एसेट हमें डायरेक्ट दे दिया गया, करंट एसेट हमें दे दिया गया, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्यों दिया है? बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही यूजफुल है। यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर रेशियो की हेल्प से मुझे जहां तक लग रहा है मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लूंगा, मैं सेल निकालूंगा। सेल की बहुत जरूरत रहती है। कोई भी अगर आपको एग्जाम में सपोज कि 5 या 7 कुछ रेशियो या कुछ निकालने पड़ते हैं रेशियो एनालिसिस, तो वहां पे 3 या 4 तो ऐसे होंगे ही होंगे जिसमें आपको सेल की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है ना, मुझे पूरा अंदाजा है ये इसके हेल्प से, इसके हेल्प से हम सेल निकाल लेंगे। सेल निकाल लेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकल आएगा। क्लियर? तो सबसे पहले हमें निकालना है, वो निकालना है नेट प्रॉफिट रेशियो, सेकंड निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो, थर्ड निकालना है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, फोर्थ निकालना है इंटरेस्ट एक्सपेंस, फिफ्थ निकालना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड
और सिक्स निकालना है लॉन्ग टर्म फंड्स टू फिक्स एसेट रेशियो। तो सबसे पहले हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। तो लेक्चर थ्री है आपका लेटेस्ट का, ये सम नंबर थ्री हम कर रहे हैं। अब नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला आपको पता होगा, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स होता है इनटू 100। लेकिन हमारे पास जो सेल्स है वो नहीं दी गई है, तो हम सेल्स निकाले कैसे? तो देखो यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या रहता है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो मुझे यहाँ पे दिया गया है 6.5 टाइम्स, तो इसको मैं 6.5 लिख दूं। इक्वल्स टू COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, क्या रहता है आपका? ओपनिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक ये रहा आपका 4,40, क्लोजिंग स्टॉक 5। तो 4,40 प्लस 5,00,000 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 4,70,000 जो आपका आएगा वो एवरेज स्टॉक आएगा। अब इसको मैं यहाँ ऊपर ले लेता हूँ, तो 6.5 इंटू 4,70,000, तो ये जो भी मेरा आंसर आएगा वो मेरा क्या निकलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा आंसर आया 30,55,000। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 65% है, किसका? सेल का। तो सेल 100% कितनी हुई? तो क्या करेंगे हम, 30 यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ 30,55,000, ठीक है, ये 65% है, तो 100% कितना? तो 30,55,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 65, तो 47,00,000 आपका सेल आ गया। क्लियर? तो ये रहा हमारा नेट प्रॉफिट कितना है। नेट प्रॉफिट तो बुक में दिया गया है, आप देख लेना, आफ्टर टैक्स जो है 6,57,000 है, ये रहा। तो 6,57,000 आपका नेट प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय सेल 47,00,000 इंटू 100। तो 6,57,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 47,00,000, तो ये आपका आ गया 13.98। तो ये आपका नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे आया, ये रहा 13.98। उसके बाद हमें निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो का जो हमारा फॉर्मूला रहता है, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला रहता है कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेल्स। ये हमारा था नंबर वन। अब हम निकालते हैं नंबर टू। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स, ठीक है, इनटू 100। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो निकाल लिया और हमने सेल निकाल लिया, अब हमें निकालना है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे निकालेंगे? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस किस तरह से निकलते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका रहेगा सेल्स में से फर्स्ट स्टेप जो आपका रहेगा, फर्स्ट स्टेप सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करो। तो सेल्स से आपका 47,00,000 माइनस 30,55,000, तो ये जो आपका आंसर आया ना, ये आपका होता है ग्रोस प्रॉफिट। तो 16,45,000 जो रहता है आपका ग्रोस प्रॉफिट रहता है। अब जो आपका नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स, तो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए होता है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 6,57,000 है। तो ये 40% माइनस करने के बाद है,
टैक्स कितना था 40%, तो ये कितना हुआ 60 हुआ, ठीक है ना, 6,40,57,000, ये कितना हुआ 60% हुआ, तो 100% कितना, तो 6,57,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 60, तो 10,95,000 हुआ, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट भी आ गया। अब नेट प्रॉफिट को माइनस कर दो ग्रोस प्रॉफिट से, तो ये आपका हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये सारी चीजें लिखते रहना, माइनस 16,45,000, तो 5,50,000 जो आपका आया ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी कितनी थी, 30,55,000 प्लस 5,50,000 डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, तो 30,55,000 प्लस 5,50,000 डिवाइडेड बाय 47 लाख इंटू 100, तो आपका आंसर आया 76.67%। तो ये आपका ऑपरेटिंग रेशियो का भी आंसर आ गया 76.70%। मेरा 67 है तो उन्होंने राउंड अप फिगर ले लिया, 70 कर दिया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, थर्ड निकालना है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। तो रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल का आपका फॉर्मूला रहता है थर्ड, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इसका फॉर्मूला रहता है नेट प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट आपका जो भी रहता है माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, जो भी आपको प्रेफरेंस पे डिविडेंड मिलेगा, डिवाइडेड बाय आपका रहेगा इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल, और इसमें आ जाता है प्लस रिजर्व। तो नेट प्रॉफिट आपका है 6,57,000, देख लो। तो प्रेफरेंस डिविडेंड आप कैसे निकालोगे, जो भी आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट है 20 लाख, उसको इंटू कर दोगे जितने के प्रेफरेंस शेयर के परसेंटेज है 10%, तो 20 लाख का 10% करोगे तो इतना प्रेफरेंस डिविडेंड आपको कंपनी देगी, कितना हुआ 2 लाख डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल। रिजर्व तो हमें दिए नहीं गए, तो यही शेयर कैपिटल हम ले लेते हैं 60 लाख, ठीक है, और इसको हम कर देंगे इंटू 100, तो 6,57,000 माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख इंटू 100, तो 7.62%, 7.62% आपका आंसर आया, यह आया रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल 7.62%। अब इसके बाद उन्होंने कहा है इंटरेस्ट एक्सपेंस रेशियो। अब देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अलग है और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस रेशियो है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस रेशियो मतलब क्या दर्शाता है कि आपके बिजनेस में पूरा इंटरेस्ट का एक्सपेंस का रेशियो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके टोटल जितने टाइप के भी डिबेंचर इंटरेस्ट, बैंक लोन के इंटरेस्ट, वो जो दिए गए वो इंटू 100 करके डिवाइड बाय सेल कर देंगे, क्योंकि आपका टर्नओवर पे ही तो होता है। तो ये हो गया इंटरेस्ट एक्सपेंस रेशियो। तो यहाँ पे जो आपका डिबेंचर का इंटरेस्ट होगा प्लस बैंक के लोन का इंटरेस्ट होगा और डिवाइडेड बाय सेल कर दोगे और इंटू 100 कर दोगे, तो डिबेंचर का इंटरेस्ट तो आपको पता है जितने के डिबेंचर से 13% कितने 3 लाख का, तो 3 लाख का 13% करेंगे
39,000 प्लस बैंक लोन 8% है, कितने की? 2 लाख की। 2 लाख का 8% 16,000 डिवाइडेड बाय सेल आपकी कितनी है? 47 लाख है, इनटू 100 कर दो, तो 1.17 आपका जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस रेशियो है। ये रहा इंटरेस्ट एक्सपेंस रेशियो 1.17। क्लियर? तो अभी हम चलते हैं फिफ्थ पे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का रिटर्न कितना हुआ? तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे करोगे आप? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होगा कि प्रॉफिट जो भी आपका बिफोर टैक्स होता है उसमें प्लस करोगे डेबेंचर इंटरेस्ट प्लस बैंक लोन, क्लियर? और डिवाइड में कर दोगे आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपका हो गया जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें प्लस कर दोगे, उसमें प्लस करना है आपको डिबेंचर का इंटरेस्ट और बैंक लोन का इंटरेस्ट। और डिवाइड में करना है कैपिटल एम्प्लॉय। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आ जाएगा? मैंने आपसे कहा था सबसे पहले इक्विटी और 10% प्रेफरेंस, इस दोनों को प्लस कर लो। इस पेज में 80 लाख हो गया, 13% डिबेंचर 3 लाख, 3 लाख प्लस 8% लॉन्ग टर्म 2 लाख, 85 लाख प्लस रिटेन अर्निंग कर लो 15 लाख, माइनस कर दो शेयर इशू रिटर्न ऑफ 97 लाख। ठीक है, तो ये तो 97 लाख आ गया आपका नीचे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आपका था वो 10,95,000 था, याद है हमने यहाँ पे निकाला था। ये रहा नेट प्रॉफिट, 40% काटने के बाद इतना आया था, मतलब वो 60% था, तो 100% कितना? 10,95,000। 10,95,000 में से हमें डिबेंचर का इंटरेस्ट 39,000 और 16,000 बैंक लोन का इंटरेस्ट प्लस कर देना है। प्लस 39,000 प्लस कितना था? 16,000 ना? ओके 16,000। अब इनको प्लस कर लो आप इंटू 100, तो 10,95,000 प्लस 39,000 प्लस 16,000 डिवाइडेड बाय 97 लाख इंटू 100, तो 11.86, 11.86 आपका आंसर आया रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सॉरी 11.86। क्लियर? 11.86 आपका आंसर आया। अब हम करेंगे लास्ट वाला। लास्ट क्या है? लॉन्ग टर्म फंड्स टू फिक्स एसेट रेशियो। अब लॉन्ग टर्म फंड्स जो थे आपके, लॉन्ग टर्म फंड्स वो आपका यही रहेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले मैं लिख देता हूँ क्या निकाला, लॉन्ग टर्म फंड्स टू फिक्स एसेट रेशियो, ये कौन सा था? सिक्स्थ वाला। तो लॉन्ग टर्म फंड्स जो रहते हैं आपके वो कैपिटल एम्प्लॉयड वाला ही है। डिवाइड में आपका आ जाएगा फिक्स एसेट, क्योंकि फिक्स एसेट के साथ ही करना है आपको, और इनटू 100, तो
कैपिटल एम्प्लॉयड तो अभी हमने निकाला 97 लाख। फिक्स एसेट हम देख लेते कितने हैं, तो फिक्स एसेट आपके 80,000 का, सॉरी 80,000 नहीं था, 80 लाख है into 100, तो 97 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख into 100, तो आपका आ गया 1 to 1.25। तो क्लियर, हमारा लेटेस्ट का सम नंबर 3 भी आज कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, नहीं आया तो आप एक और बार वीडियो देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर में जो ज्यादा नीट रहती है वो रहती है कि किस तरह से फॉर्मूलाज को हम लर्न करें। तो सम फॉर्मूलाज को आप समझ के लर्न करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इसके लिए होता है जिसे इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, प्रेफरेंस हो गए, ठीक है, डिबेंचर्स हो गए, ये सब ओनर्स के फंड होते हैं। क्लियर, तो ये सारी चीजें आपको समझ के अगर आपको फॉर्मूला लर्न करोगे तो आपको इजीली रहेगा ये चैप्टर। तो लेटेस्ट का 3 कंप्लीट हो चुका है, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियोस कैसी पसंद आ रही है कि नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।